लोगों को इस वीडियो को देखने से पहले एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जितने भी भाई देहरादून के मैसेज करते हैं कि भाई कब मीटअप है, सो देहरादून का मीटअप पक्का हो चुका है, इसीलिए मैं आज के वीडियो डाल रहा हूँ। आज की वीडियो में जो हूँ प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपने देहरादून मीटअप की। अगर आप में से कोई भी कहता है कि भाई मीटअप कहाँ हो सकता है या कैसे होगा, किस टाइमिंग में होगा, किस डेट में होगा, तो मीटअप इसी महीने होगा और मोस्ट प्रॉब्ली 24 तारीख के बाद होगा। और एक चीज़ आप लोगों को बताया तो मीटअप की लोकेशन भी हम सॉर्टेड रखेंगे, वो सब अपडेट आप लोगों को मिलेंगे इंस्टाग्राम में, वीडियोस में भी बताऊंगा, लेकिन इंस्टाग्राम में पल टू पल की खबर मिलेगी। मुसाफिर MUSAFIR7811 मुसाफिर 7811 में फॉलो कर लेना। इसी के साथ मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं दो पार्ट से बना रहा हूँ। पहला पार्ट है जिसमें बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं कि भाई बूढ़मों से जो पार्ट आते हैं वो खराब आते, ये आते वो आते, तो वो मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूंगा। मैंने अपनी जिप्सी के लिए सामान ऑर्डर किया है। सेकंड पार्ट में आप लोगों को पूरी उसकी इंस्टॉलेशन दिखेगी, एंड अगर आप लेटर हाफ में बिल्कुल चले जाओगे तो आप लोगों को उसमें इसकी टेस्ट टाइप भी दिखने को मिलेगी। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि भाई सीधे हम इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं, तो करीबन लगा लो कि आप लोग 10, 11, 12 मिनट के बाद आप लोग वीडियो देखना। अगर आप बूढ़मों वाला देखना चाहते हो पूरा, तो स्टार्टिंग से वीडियो देखना, और अगर आप सीधे टेस्ट ड्राइव देखना चाहते हो तो आप लास्ट के मतलब लगा लो 5 मिनट तक में पहले में आप देख सकते हो, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो किसी का भी टाइम खराब नहीं होगा। वीडियो लंबी इसलिए रखता हूं कि इन्फॉर्मेटिव हो चुके, मेरे को आदत नहीं है कि एक ही चीज के बारे में तीन टुकड़े बना के अलग अलग दिखाऊं। मैं कोशिश करता हूं एक ही बार ये पूरा मूवी टाइप दिखाऊं। सो आई होप कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करोगे, तो जाके देखो वीडियो एंड जरूर बताना कि भाई कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों का पूरा हक है, जो चाहे जो मन करे वो बताना। सो लेट्स स्टार्ट दिस। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई आप लोग ऊपर कैप्शन पढ़ रहे हो, लेकिन कैप्शन पढ़ने के बाद आप लोग कहोगे कि भाई एकदम से ये i20 हम लोगों को क्यों दिखा रहा है। सो गाइस आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मैंने ये वाला पार्ट पहले शूट करा है, और उसके बाद जो आप लोग पूरा इंस्टॉलेशन और होते हुए सारा काम देखोगे वो एक दूसरे दिन मैंने शूट किया था। तो अभी मैं द्वारका में शूट कर रहा हूँ, और मैंने द्वारका को जो है एक तरीके से अपना प्रेफर्ड जो शूटिंग लोकेशन है वो चूज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर शूट करने में मज़ा आता है, कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं है और आप लोग काम सही से कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरी मैंने boodmo.com से ऑर्डर किया था वो फाइनली आ चुका है, आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे भाई यार ये लोग फेक सामान बेचते हैं, इसके अंदर ओरिजिनल चीज़ नहीं होती है, ये लोग किसी डिफरेंट सेलर से सामान भेज देते हैं। तो इन सब चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, कितने टाइम पे ये सामान मेरे पास आ गया। और इसी के साथ में जो लोग कह रहे हैं यार बूडमो जो है वो बीच बीच में वो डिस्पैच वाली चीज़ दिखाना बंद कर देता है, तो उसके बारे में भी अपडेट दूंगा, और उसी के साथ में इनको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है, और जब आप देखोगे तब आप लोगों को भी मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। देखो अभी आप लोगों को जो है हम लोग एक तरीके से पूरा अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। जो मैंने सामान ऑर्डर किया था उसके लिए हम लोगों ने ये ट्रे लॉक में गए थे, तो हमें वहाँ पर ये बहुत बढ़िया जो एक कहते हैं स्विस नाइफ वो मिली थी, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसी के साथ में बॉक्सिंग आप लोग चेकआउट कर लो, बूडमो की ये पैकेजिंग में होके पूरा आया था, ठीक है, तो बहुत भारी है। यहाँ पर मेरा एड्रेस सब कुछ लिखा था, मैंने अपना फ़ोन नंबर जो है वो कार्ड दिया था। सो लेट्स अनबॉक्स। अब मेरे को देखो अनबॉक्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, लेकिन जो जो भाई कहते हैं कि अंदर से ओरिजिनल चीज़ नहीं निकलती है, तो उनको बनता है कि भाई एक बार दिखाया जाए कि अंदर से ओरिजिनल सामान निकलता है कि नहीं निकलता है। सो यहाँ देखो, इधर से पहले दिखाना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये है हमारा श्री गणेश, तो थोड़ा मैं कैरी डबे में भी चले गया, इधर से भाग लिया साइड से। तो मैं आप लोगों को केवल इसकी अभी ऊपर वाली बॉक्सिंग खोल के दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी नीचे वाली मैंने डैमेज कर दी है, ठीक है। सो भाई थोड़ी मेहनत लग रही है खोलने में। तो गाइस देखो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, जो इसकी पैकेजिंग आती है उसमें boodmo.com वाले अपनी खुद की ऊपर की पैकेजिंग करते हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, देख लो, ठीक है, ये ऊपर वाली पैकेजिंग इनकी अपनी है। इसी के साथ में अंदर जो है वो ओरिजिनल वाली आती है। मेरा जो सामान है वो MGP का था, तो आप लोगों को चेकआउट भी कराऊंगा। तो भाई लिटरली मेरी जान निकल गई इसको खोलने में। तो थोड़ा सा और कट करते हैं इसको, और मतलब इतनी तगड़ी पैकेजिंग में है ना ये, क्या बताऊँ आप लोगों को। सो देयर यू गो, फाइनली इट्स ओपन, और लिटरली ये नीचे स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो फुल सेफ्टी के साथ भेजते हैं, जितना अंदर का मोटा नहीं होगा उससे ज़्यादा तो सामान बाहर का मोटा है। सो देयर यू गो। सो गाइस सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को शो करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर से क्या क्या निकलता है
सबसे पहली चीज ये है, और ये मोस्ट प्रॉब्ली प्रोटेक्शन के लिए होगा या फिर कुछ इसके अंदर हो सकता है। मेरी सारी ऑयल सीलें तो वैसे आ चुकी है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर ऑयल सीलें हो सकती है, या फिर ये खाली ऐसे ही बचाने के लिए रखा होगा, ठीक है चीज़ों को। तो सबसे पहली चीज जो है ये बॉक्स जो था जैसे रखा हुआ दिखाया तो ऐसी पैकेजिंग में आया ये, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। ये मेरे दोनों शाफ्ट है और उसी के साथ में बूटमो का जो ये डिब्बा है ये इधर रखा हुआ है। सो लेट्स ओपन इट। इसी के साथ में उस तरफ में एक डिब्बा रखा हुआ था, ऊपर की तरफ में एक थर्माकोल भी है, ठीक है, आप लोगों को दिख जाएगा। लेट्स ओपन इट। सबसे पहले ये छोटा वाला डिब्बा ही ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर है क्या? तो भाई पोपट हो गया। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। और इसके बाद देयर यू गो। सो गाइस ये है आप लोगों का शाफ्ट, ठीक है। और एक बार ही चेकआउट कर लो, अगर फोकस परफेक्ट तरीके से हो रहा है, MGP का ओरिजिनल, ठीक है, MGP का ओरिजिनल आ रखा है पूरा। यहाँ पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर लिखा भी गया है आशी एजेंसी लिखा हुआ है, और टेपिंग वेपिंग परफेक्ट है। ये यहाँ से जो है ये आप लोग पता लगा सकते हो, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है, ठीक है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग देख लो, ठीक है। इसमें आपको MGP का पूरा जो बैजिंग वैजिंग होती है वो दिख जाएगा। 2257 इसकी MRP थी। एंड लेट्स पहले इसको मैं सबको सॉर्ट आउट करता हूँ, दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो ये अपना सबसे बड़ा वाला शाफ्ट है, अगेन एवरीथिंग इज सेम, देख लो, ठीक है, देखने में बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स कीप इट देयर। और इसके अंदर ये थर्माकोल निकला, और इसके अंदर से आप लोगों को जो निकलता हुआ दिखने वाला है वो है हमारे ये बिल्स, ठीक है भाई। तो इसमें अच्छे खासे मेरे को शिपिंग प्राइजेस भी देने पड़े, क्योंकि ये बहुत दूर से जो है आया था। और जहाँ तक टाइमिंग के बारे में बात करोगे, सो टाइमिंग मोस्ट प्रॉब्ली लगा लो कि 15 दिन लग गए, क्योंकि ये जो था ये प्रोडक्ट जो था ये दूर था, फिर भी स्टिल उन्होंने अरेंज करके मेरे लिए मंगा दिया। इसी के साथ में दूसरा वाला जो था, मतलब तीन शाफ्ट होते हैं जैसे जिप्सी में, तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिया है। मैं सीधा आपको इस शाफ्ट का निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो देयर यू गो, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब इसमें आपका बैजिंग वाला। तो यहाँ पर जो ये शाफ्ट है, ठीक है, ये मैंने खोल के चेक कर ली थी अपने आप, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, और आप लोगों को MGP का ओरिजिनल जो पूरा लिखा हुआ है इधर पढ़ लो, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव, मेड इन इंडिया, ठीक है। इसके बाहर भी लिखा हुआ है आशीष एजेंसी। तो इसी वाले शाफ्ट को खोल के निकाल के देखते हैं। तो देयर यू गो गाइस, तो दिस इज हाउ द शाफ्ट लुक्स लाइक। ब्रांड न्यू शाफ्ट पकड़ने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। और जो जब ओरिजिनल हो तो और ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। ये चीज़ खोल दिया, इसको रख देते हैं वापसी, मैंने गलत तो नहीं डालती। सो इसमें लग रही है बहुत ज़्यादा जान, इसको रखते हैं ऐसे। सो हार मान ली मैंने भाई, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हमारे बाकी के दोनों प्रोडक्ट जो कि बहुत इजी टू ओपन है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, एक हमारा शाफ्ट है, ये आपकी दूसरे नंबर वाली शाफ्ट है विथ क्रॉस जो आप लोगों को मिलती है, और ये जो है मायापुरी से ऑफकोर्स ही बात है यूज डॉली मिलेगी। ये दो हो गई आपकी, एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर थर्ड वन। थर्ड वाला भी इतना ही खतरनाक होगा, तो भाई ठीक है। तो तीनों के तीनों सामान जेन्युइन आए हैं, और मेरे को तो देखो बूटमो के ऊपर वैसे ही बहुत यकीन है, तो थोड़ा इनको जरा एक बारी ओके करता हूँ और उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने पूरी चीज़ें अनबॉक्स होते हुए देख ली है, तो मैं आप लोगों को देखो इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देता हूँ भाई। बूटमो जो है भाई वो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब से मैंने उधर से सामान ऑर्डर करना स्टार्ट किया है, या फिर जब से मैंने रिलायबिलिटी दिखाई है उनकी तरफ, मेरी काफ़ी ऑडियंस है जो उनकी तरफ काफ़ी खींचती गई है, और उन्होंने काफ़ी सारा सामान मंगाया है, एंड दे आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। जहाँ तक बात आती है, लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये लोग बेकार और नकली सामान बेचते हैं, तो भाई ये आप लोगों का मिथ है। और जो लोग ऐसी रूमर फैला रहे हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ऐसे रूमर ना फैलाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सामान आप लोग आता हुआ देख रहे हो वो विथ बिल
पूरा ओरिजिनल, चाहे वो हुंडई हो, MGP हो, या होंडा का हो, या फोक्सवैगन का हो, तो आपको सारा जेन्युइन सामान इनके पास मिलता है एंड अकॉर्डिंग टू ईयर्स मिलता है। और एक चीज़ और बताता हूँ, मेरी गाड़ी में जो है सामान आने में टाइम लग गया, रीज़न केवल एक यही था कि भाई जो मेरी जिप्सी थी वो जो है भाई वो पुरानी है और इसके जो पार्ट है वो बहुत रेयर है, बहुत कम लोग इसका पार्ट के साथ डीलिंग करते हैं, स्पेशली जिनके सामान जाते थे आर्मी के पास और जिनके पार्ट जाते थे आर्मी के पास वही लोग इनको रखते हैं, और इसीलिए जो है इसको आने में टाइम लगता है, लेकिन रिलायबिलिटी के साथ विदाउट एनी डैमेज ये सारा सामान मेरे पास पहुँचा है। बाकी सेकेंड पार्ट में आप लोग ये सारा सामान लगते हो देखोगे। इसी के साथ में बूटमो के सारे बारे में जो लोग कहते हैं कि यार एक टाइम के बाद वो एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम जो है वो दिखाना बंद कर देते, तो भाई इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताया था, एक्सपेक्टेड टाइम डिलीवरी वाला जो सीन है वो आपको क्यों नहीं दिखता है। तो जैसे ही सेलर के पास से इनको रिक्वेस्ट या फिर अपडेट आती रहती है, ये लोग आपको अपडेट करते हैं, एज सून एज वो लोग जो होते हैं वो कहीं पर कुछ फेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है ये आप लोगों को वो चीज़ शो नहीं करते हैं। इसका भी एक हल है भाई, आप लोग इनको मेल डाल सकते हो, ये आपको रिस्पॉन्ड करके हर चीज़ सॉर्ट कर देंगे। सो प्लीज़ हेट मत फैलाओ, अच्छी चीज़ें फैलाओ, बूटमो इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक्स अलॉट बूटमो कि आपने ये सारा सामान ऑन टाइम मेरे पास पहुंचा दिया। एंड जिन जिन भाइयों को नहीं पता है, आई एम प्लानिंग फॉर माय देहरादून ट्रिप, तो वहाँ पर ये चीज़ मेरी जिप्सी में लग के जाएगी तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आएगा। सो आई गेस कि आप लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी थी एंड बूटमो के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, हैट्स ऑफ टू यू बूटमो जिन्होंने ये पूरी सब चीज़ें मेरे पास टाइम पर पहुँचाई। अगेन अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है बूटमो से तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक देम आउट। और मेरी बहुत सारी ट्रिप्स है जिसमें उन्होंने बोल रखा है कि भाई वी विल बी द मेन स्पॉन्सर्स, और भाई मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि दे ऑलवेज शो सपोर्ट टूवर्ड्स मी, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि अपनी ऑडियंस के साथ अच्छी चीज़ मैं शेयर करूँ। सो गाइस इसी के साथ में पहला पार्ट यहाँ पर एंड होता है, तो सीधे पहुँच जाओ जहाँ पर ये इंस्टॉलेशन वाला खेल हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है आप लोगों को पता चलेगा। सो मिलते हैं सीधे सेकेंड हाफ में इन 3, 2, 1। हमारा दूसरा दिन जिस दिन मैं अपनी जिप्सी के अंदर सारा का सारा सामान डाल के सुशील जी के वहाँ पर आ रहा हूँ, तो अभी एक बार देख लो अंदर सामान पहले, ठीक है। तो अभी जो है हम इसका काम कराएंगे, इसी के साथ में मेरे को जो है करंट लोड वाली चीज़ भी चेक करानी है। दिक्कत क्या हो रही है कि गाड़ी जो है भाई वो एक बार दो बार बंद हो चुकी है और वो कुछ ऐसा इशू था कि हो सकता है कि दिक्कत अल्टरनेटर में हो, लेकिन हमने चेक कराया तो पता चला है इग्निशन से करंट अर्थिंग कहीं पर ले रहा है, यानी कि करंट जो है वो लूज़ हो रहा है या बह रहा है वहीं से, तो वी आर फाइंडिंग द फिक्स फॉर इट। और अभी हम लोग जो है, मैं मोटर कॉन्सेप्ट वाले भैया के वहाँ भी गया था, मैं क्या लेके आया हूँ दिखाता हूँ। मेरे को दिया था ये डिजिटल मल्टीमीटर और इसका रीज़न क्या है लाने का, मैं चेक कर रहा था कि क्या लॉस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली जब हम लोग एसी और हेडलाइट साथ में चलाते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा लोड ले रही है और बैटरी का मतलब 12 पॉइंट कुछ आ जा रहा है, जो कि सेफ नहीं है, और भाई मेरे को कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और भाई जब हम दूसरी लंबी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरे को उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेट्स सी कैसे होगा, अभी इसकी फिटिंग कराऊंगा सबसे पहले, क्योंकि और आपको ये भी दिखाऊंगा कि पुराने वाले जो निकलने के बाद उनकी क्या हालत है, और देन लेट्स सी हाउ इट विल। जैसे जैसे आप काम कराते रहते हो वैसे वैसे आपको चीज़ें पता चलती है। तो यहाँ पर जो है दो बेल्टों की दिक्कत और निकली, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये बेल्ट जो है वो ज़्यादा लोड की वजह से चेंज करवानी पड़ रही है, और मायापुरी ने जो मंगा जी ने काम करके दिया था अल्टरनेटर का, अल्टरनेटर की बहुत बुरी हालत है ना भाई, बहुत बुरी हालत है भैया है। तो अब मेरे को नया अल्टरनेटर भी अपनी जेब से लगवाना पड़ रहा है, ठीक है, और अभी हम उसी काम में लगे हुए। ये बेल्ट तो कटी कटी, साथ में ये वाली बेल्ट की भी हालत दिखाई है एक बारी भाई, ये कस्टम बेल्ट थी, इसकी हालत देखो ये। तो भाई ये हुआ क्या, जब अल्टरनेटर ज़्यादा लोड खाने लग गया यहाँ पर उसका असर फील हुआ है। विशाल भाई कैसा काम किया मंगा जी ने, ऐसे बोल दे एक बार नीचे ऐसे भाई, मतलब हम तो बहुत अच्छा समझ के गए थे और ऐसा करके दिया, कोई बात नहीं भाई, हम तो पैसा लगाएंगे, हमारी गाड़ी है, ठीक है, बढ़िया कर देंगे इसको, क्या कहते हो, कर देंगे ना, ओके या श्योर, अब तो हो ही जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये थोड़ा सा ऑयल वाइल ऊपर आ गया था, तो इसकी क्या वो डलती है विशाल, रैपिड कवरिंग, अच्छा कवर सील डलती है, जो सील होती है जो, वो भी अभी लेके आ रहे हैं, और जो भी छोटी मोटी चीज़ होगी वो भी चेक कर लेंगे, और भाई ये भी कोशिश करवाता हूँ, ये भी आज क्लीन करवाऊँ और सब कुछ ओके कराते हैं। गाइस यहाँ पर एक बार आप लोग चेकआउट कर लो, यहाँ पर जितने भी हमारे एयर फिल्टर वाला पूरा सेटअप आप लोगों ने देखा था कैनन वाला, वो खोल दिया गया है, इसकी मैंने जो है एक तरीके से क्लीनिंग करानी है, और क्लीनिंग क्यों करानी है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए और मिट्टी जो है इसके अंदर, क्योंकि भाई नॉर्मल बंदा साफ नहीं कर सकता, तो इसको क्लीन हम सही तरीके से कराएंगे, कैसा प्रोसेस होगा जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा और एक आइडिया आप लोगों को मिलेगा। हमारा अल्टरनेटर निकाल दिया गया, इसके डेट के अकॉर्डिंग पता नहीं क्या लिखा हुआ है, 29/1/2019 क्या लिखा, 1919 लिखा हुआ है, तो ये जब लिया होगा मंगा जी ने तब उसमें ये गारंटी गुरंटी डली होगी, तो पता नहीं भाई, अब मैं तो इसको ब्रांड न्यू मंगा रहा हूँ, कौन सी गाड़ी का मिलता है, लेट्स सी वैगनर का या ऑल्टो का, जैसा हमको भैया ने इधर बताया आदेश दिया, तो भाई देखते हैं क्या जुगाड़ बैठता है और उसके बाद आपको जरूर बताऊँ। चेकआउट कर सकते हो, हमने एयर फिल्टर खोला था यहाँ पर, ठीक है, तो ये पूरा जो है ये आपका नट बोल्ट के थ्रू खुलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको इजिली देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो जो चीज़ें मिली है वो है मक्खिया,
और चूहे की टट्टी और मतलब हर तरीके की गंदी चीज आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो अब इसको क्लीन कर रहे हैं और इसका क्लीनिंग प्रोसेस होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा, इसी के साथ में दिखा दूंगा कैसे इसको क्लीन किया जाता है और एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, अगर आपके पास केमिकल हो तो ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोग उस चीज को कर सकते हो। हमारे पास जो रिसोर्स था हम लोगों ने क्लीन करने के बाद इसको पानी के अंदर अभी इसमें डाला था। एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, अभी दिखाऊंगा कितनी गंदगी इससे निकलती है। जब इसको निकाल जाएगा करीबन 10 मिनट के लिए इसको अंदर रखा जाएगा एंड इसके बाद लेट्स सी हाउ इट विल गो। अगर शाफर चेंजेस का पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है तो आपको पुराने वाले शाफर दिखा देता हूँ। आप लोगों को ये पुराने वाले शाफर देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा गंदे हो रखे लेकिन स्टिल जो आप लोगों के नए वाले होते हैं उनका भी एक ओवरलुक दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे लगने के बाद लगते हैं। लेकिन स्टिल जो होते हैं भाई नीचे काले हो ही जाते हैं और इनका ऑलरेडी रंग काला ही होता है। सो ब्रांड न्यू डल रहे तो भाई आपको मैं जरूर बताऊंगा चलाने में मेरे को क्या फर्क उसमें फील होगा। तो देख लो पहले से ही आप लोगों को यहाँ पर मक्खी वक्खी दिख रही होगी, नीचे की तरफ में जब निकाल देते हैं तब क्या देखने को मिलेगा देख लो। ठीक है, सारी गंदगी आप लोगों को आसपास की दिख रही होगी, ये पानी पूरा साफ डाला था हमने तो गंदगी देख लो कितनी सारी निकली और ये पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके साफ हो गया। स्टिल इसके ऊपर अभी एक ब्रश मारा जाएगा और उसके बाद ये बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पर एक बार आप लोग चेकआउट कर लो, लास्ट वाली जो हमारी शाफ्ट रही थी वो भी यहाँ पर निकाल दी गई है। तो दोनों की कंडीशन और तीसरी वाली कंडीशन भी बहुत बुरी थी तो इनको हम लोगों ने निकाल दिया है और लेट्स सी जब इस गाड़ी को ड्राइव करते तो कितना फर्क हमें फील होने वाला। एक बार चेकआउट कर लो, यहाँ पर जो एयर फिल्टर है उसके अंदर जितनी भी मक्खियाँ फंसी हुई थी जब पानी में डाला था उसके बाद भी जो बच रही थी वो सारी साफ हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है और इसी के साथ में अभी ये प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से निभाया जा रहा है कि भाई इसका आउटपुट हमें अच्छा चाहिए। तो बिल्कुल बढ़िया वाला कर रहे हैं और फिर देखने में मज़ा आ ही रहा है और चीज़ भी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। जो हमारी किट लगनी थी गैसकेट की किट वो आ चुकी है। यहाँ पर हम लोग जो लगा रहे हैं, एक बार स्पार्क प्लग चेकआउट कर लो, NGK के ओरिजिनल लगा रहे हैं। यहाँ पर सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ ओवरऑल जो है भाई वो चेंज कर रहे हैं हम लोग सब कुछ जितने अच्छी तरीके से हो सके। भैया जो है अपनी तरफ से पूरा, भैया ने मेरे को ये भी कहा कि अगर कुछ मेरे पास एक किट सी होती तो मैं उससे चेक करके बताता। क्या बोलते हैं भैया उसको? कंप्रेसर मीटर होता तो भैया ने कहा उससे बताया था इंजन की कितनी लाइफ और बचती है या कैसी लाइफ है। लेकिन फिलहाल के लिए हम करा रहे हैं भाई, इसको ट्यूनिंग भी कर देंगे और फिर आपको और अच्छा एक ओवरव्यू दे पाऊंगा। हमारी पैकिंग जो है वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, और अब इसको बंद किया जाएगा। इसके ऊपर जो है आप लोगों को दिखा दूंगा, देख लो भाई। ठीक है, ये चीज़ है जो कि लगाई जाती है, आपको भैया लगा के भी दिखा देंगे। मैंने आप लोगों को कहा था दो बेल्टें हमारी आने वाली है तो पहली बेल्ट ये रहने वाली है। ठीक है, तो एक बार चेकआउट कर लो आप लोग यहाँ पर, और दूसरी बेल्ट है हमारी ये। तो ये दोनों के दोनों बेल्ट हम लोग चेंज करने वाले हैं और हमें भाई ये मिल गई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और ये तीसरी वाली है हमारी। ठीक है, तो इनका जब आप लोगों को पूरा एक लगाने के बाद बताऊंगा कि क्या यूसेज है और पहले क्या कमी थी और अब क्या ठीक हो गई। हमने फॉर द टाइम बिंग जो है इसमें अभी ऑल्टरनेटर जो है वो दूसरी जिप्सी का लगाया हुआ है, रीजन बिंग की हमें ओरिजिनल आज नहीं मिल पाया था। कल जो है ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी। अगर आप में से किसी ने भी देखना हो तो जाके इंस्टाग्राम में आप लोग लिख सकते हो मुसाफिर 8811, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग एयर फिल्टर का पूरा जो अपना ये असेंबली है इसको तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ में हम लोग मीटर से चेक कर रहे थे कि क्या बैटरी लॉस हो रहा है, कहीं बड़ी बैटरी की जरूरत ना पड़े क्योंकि चीज़ें काफ़ी है, AC भी है। तो यही चीज चेकआउट की जा रही है और यहाँ पर अब भैया इसके प्री प्लेसमेंट करेंगे और आपको फिर एक अच्छा ओवरव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में मेन गियर ऑयल जो है वो भी हम लोग लेके आ चुके हैं, 90 वाला है ये। ठीक है, जो भाई समझ सकते हैं आई गेस वो समझ गए होंगे। तो इसको भी डलवाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ऑयल जो है वो कम था, सो इसको डलवाते हैं और गाड़ी को ओके करते हैं अपनी देहरादून ट्रिप के लिए। प्रोसेस जो है वो यहाँ पर थोड़ी कटिंग करनी पड़ी है लेकिन हम लोग डाल रहे हैं अपना गियर ऑयल। सो ऊपर की तरफ से डाल रहे हैं, ऑप्शन नीचे से होता लेकिन यहाँ से बड़े तरीके से डल जाएगा। ठीक है, तो कम था तो इसको हम लोग पूरा कर रहे हैं रिफिल जिससे गियर की लाइफ बनी रहे और ये चीज़ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए करवा भी रहे। थोड़ा हल्का फुल्का कपड़ा फाड़ दिया है लेकिन कोई बात नहीं, हर बारी का हो जाएगा कि हर बारी अगर डालना हो तो आसानी से ये चला। ओके गाइस, तो कल का काम कंप्लीट हो चुका था, ये हमारा तीसरा दिन है जिस दिन मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा रहा हूँ। सो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कल क्या क्या काम इसमें हमने करवाया था। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, जब सिस्टम के बारे में अगर आप लोग बात करते हो तो सिस्टम में जो है, ठीक है, आप लोगों को दो फ्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, एक फ्यूज़ ये है और एक फ्यूज़ यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमने जो है वूफर और जो अपना पूरा सिस्टम है उसको अलग तरीके से, जो एक तरीके से कह सकते हैं फ्यूज़ वाला ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कोई भी प्रॉब्लम हमें इसमें ना आए। दिक्कत क्या हो रही थी, ये जो वायरिंग है बहुत ज़्यादा है लेकिन इसको मैं सॉर्ट आउट कराने के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। जितने लोग होते हैं वो ये कहते हैं नहीं भाई ठीक है चल जाएगा, लेकिन आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि इसके लिए थोड़ा सा काम किया जाए जो कि मैं मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिनों बाद ज़रूर करवाने वाला हूँ। इसी के साथ में गाइस अगर आप लोग नीचे की तरफ में देखोगे, ठीक है, तो मैंने जो है आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये एक जिप्सी थी पुरानी, उसका मैंने अभी ऑल्टरनेटर लगाया, दैट वाज वर्किंग परफेक्टली। इसमें अर्थिंग वाला इशू नहीं आ रहा था, अर्थिंग वाला इशू जो आ रहा था वो आ रहा था मेन
जो इग्निशन की वायर आती है उससे आ रहा था, तो हमने अब चेक किया तो इट्स गुड, लेकिन स्टिल अभी ज़रूरत क्या है, हो सकता है हमें ये बैटरी अपग्रेड करना पड़े, एक्सटेंड में जो बड़ी बैटरी डलती है वो हमें बैटरी डलवानी पड़ेगी। इसी के साथ में ये मैंने मंगा लिया नया ऑल्टरनेटर, ये ब्रांड न्यू ऑल्टरनेटर आएगा, ये मैं जो हूँ चेंज करूँगा तब आप लोगों को दिखा दूंगा, कोशिश करूँगा कि इंस्टाग्राम में ही आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करते हो एयर फिल्टर के बारे में, तो खुलवा के पूरा क्लीन करवा के इसको लगवाया था। भैया से मैंने एक चीज़ पूछी थी नॉर्मल और इस वाले एयर फिल्टर में एवरेज का कोई फ़र्क आता, तो उन्होंने कहा एवरेज का इससे कोई भी फ़र्क नहीं आता है। इसी के साथ में भाई ऊपर जो है वो तेल वेल निकला हुआ था, रीज़न बीइंग की पैकिंग जो थी वो उड़ गई थी। इसी के साथ में स्पार्क प्लग चेंज कराया, स्पार्क प्लग बिल्कुल काले हो गए थे और पैकिंग डलवा दी, स्पार्क प्लग वाला चीज़ ठीक करवा दिया। इसी के साथ में ये दोनों की दोनों बेल्टें थी, तो जो पहले इसमें बेल्ट डली हुई थी वो थी 6 PK की, उसका जुगाड़ करके उसको लगाया गया था जब हमने AC का काम करवाया था, तो 5 PK जो है वो अब हमने इसमें लगाई है। इसमें रिकमेंडेड 4 PK है लेकिन 4 PK इसमें नहीं मिल रही थी इसलिए 5 PK लगाई है, इट्स वर्किंग परफेक्टली। इसी के साथ में होता क्या है, जब आप लोग नॉर्मली ये चीज़ें करवाते हो तो इनकी अलाइनमेंट ऑफ हो जाती है क्योंकि ये दिक्कत आती रहती है, तो इसको सेट करने में करीबन 1 घंटा लगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया। सो मैं गाड़ी के अभी आपको फर्स्ट सेल्फी मार के दिखाऊंगी क्या रिस्पॉन्स आता है। गाड़ी में आप लोगों ने देखा था कि भाई गाड़ी में हमने डलवाया था गियर ऑयल, ठीक है, तो गियर ऑयल आपका यूजुअली डलता है यहाँ से, तो मेरे को यहाँ से इसकी कटिंग करानी पड़ी। भैया ने बोला इसको कवर मत करवाना क्योंकि गियर ऑयल अब हमेशा यहीं से डलेगा, तो इतने पार्ट को मैंने खुलवा रखा है। पीछे से जो हुआ था उसमें भैया ने कट मारा हुआ अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो मुझे इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लेने वाले हैं गाड़ी की पहली सेल्फ, लेट्स गो। सबसे पहले न्यूट्रल चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जब ये होता था तो बेल ढीली हुआ करती थी तो आवाज करती थी, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। ओके YouTube, सो इट्स टाइम कि आप लोगों को एक बारी गाड़ी चला के मैं रिस्पांस बताऊं और बताऊं कि मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था जिसकी वजह से मैंने शाफ्टें चेंज करवाई, ठीक है। सो गाइज यूजुअली होता क्या था, जैसे ही मैं अपनी गाड़ी फोर्थ गियर में डालता था, क्योंकि मैं आपको भी चेक कराऊंगा अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, आई एम ड्राइविंग अराउंड लाइक 40 की स्पीड में भी गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो होता क्या था 40-50 जैसे अब नॉर्मली ये 60 पर पहुँचने वाली है, इस टाइम पर जैसे ही मैं एक्सेलेरेशन छोड़ता था और हल्के से ब्रेक लेता था तब गाड़ी जो है वो जर्क करती थी, ठीक है। सो वो चीज़ अभी इसमें बिल्कुल भी फील होने को नहीं मिल रही है मेरे को, ठीक है, और आप लोगों के सामने मैं इस चीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ। अब फीलिंग तो वाइब्रेशन वाली जो है वो पूरा ये वाइब्रेट होती थी जगह, ठीक है, तो हमने बहुत चीज़ें देखी लेकिन समझ नहीं आ रहा था। अगेन अभी फोर्थ गियर में हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक्सेलेट कर रहा हूँ और एक्सेलेशन मैंने छोड़ा है और देख लो हल्का हल्का अपने आप ही वो जो है नीचे आ रहा है, लेकिन गाड़ी में बिल्कुल ही वाइब्रेशन नहीं है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं इस चीज़ के लिए थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कह सकते टेंशन में आ गया था कि भाई एकदम से गाड़ी क्यों वाइब्रेट हो रही है, और मेनली जब मैंने कमानी का काम कराया था उसके बाद से चीज़ हो रही थी, तो पहले मेरे को लगा कि हो सकता है कि शाफ्टों की जो लाइनिंग होती है वो कहीं ना कहीं आउट हो गई हो, लेकिन वो चीज़ जो नहीं थी। और चलो भाई अच्छी बात भी है कि सब चीज़ सॉर्ट आउट हो गई, और यूजुअली मैं यही चीज़ फील करता था, अगर आप में से किसी के पास जिप्सी है और आप में से कोई भी अगर ये चीज़ फील करता है तो भाई ये काम करवा लेना, थोड़ा सा आप लोगों के लिए गाड़ी को खींच भी दूंगा। AC जो है वो गाड़ी का कर रहा हूँ बंद, ठीक है, बस पंखा चलाया हुआ वो भी 1 नंबर पर, और 5, 4, 3, ठीक है, थोड़ा सा लंबा एक्सेलेरेट करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को मतलब ये होता है बंदे को थोड़ा सा वहम हो जाता है कि भाई यार अब कहीं आ तो नहीं रही है, ठीक है, देखते रहना। थर्ड गियर 60 टच होने वाली है, फोर्थ गियर ऑलमोस्ट 70, ब्रेकिंग ले रहा हूँ अगेन जैसे क्लच दबा के बताता था मैं आपको, कोई वाइब्रेशन नहीं है किसी भी तरीके की, कोई वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई इस चीज़ के लिए। मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं इस चीज़ को अगर देखता था अपनी गाड़ी के अंदर तो मेरे को लगता था यार गाड़ी में क्या दिक्कत हो गई है। देखो फुल मतलब फुल पावर भाग रही है गाड़ी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब मैंने बेल्टे चेंज कराई है उसके बाद हैंडलिंग में मेरे को अच्छा खासा फ़र्क फील हो रहा है। और एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गाड़ी की अलाइनमेंट कितने टाइम पे करानी चाहिए, तो भाई देखो जब आपको लगे कि गाड़ी पहाड़ों में होकर आई है या लॉन्ग ट्रिप करके आई है तो एक करवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हल्का फुल्का खर्चा होगा और सब कुछ ओके हो जाता है। फिर से आपको चेक करा रहा हूँ, थर्ड फोर्थ, और यूजुअली इसमें जब मैं एक्सेलेरेशन छोड़ता था जैसे मैंने छोड़ दिया पैर उठा लिया देखो तो वाइब्रेट करती थी ब्रेक लेने में, अब वो चीज़ नहीं है।
सो इट्स गुड टू गो एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मेरी क्या प्रॉब्लम थी. और बहुत सारे भाई बोलेंगे भी भाई क्यों चेंज कराया, तो यही उसका जवाब था. तो गाइस आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो देख ली है. इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में बेसिकली जो है बांट दिया था. आई होप कि आप लोगों को जो पार्ट इंपॉर्टेंट लगा हो आप लोगों ने वो पार्ट देखा होगा. इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई भी पूछा जाएगा कि भाई आप इस गाड़ी में इतने पैसे क्यों लगाते हो, इससे अच्छा तो आप लोग इतने की तो आप नई गाड़ी ले लेते, तो करीबन इसकी अगर कॉस्टिंग की बात करोगे तो मेरे को ये ऑलमोस्ट 7 लाख कुछ की पड़ चुकी है, ठीक है, और इसकी कॉस्टिंग पड़ चुकी है. लेकिन आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मेरा जो प्यार है इस गाड़ी की तरफ वो बहुत अच्छा है, जो मेरी ऑडियंस का प्यार है वो बहुत अच्छा है. तो भाई इसके ऊपर पैसा लगाना मेरे को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है. एंड प्लस ये एक तरीके से मेरी आइडेंटिटी है. मुसाफिर को जो है वो लोग ब्लैक कलर की जिप्सी से जानते हैं जो कि एक कस्टम मेड है, तो इनमें जो है वो खर्चे आते रहते हैं. आई होप कि आप लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे. जो भाई नहीं कर पा रहे उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता. इसी के साथ मैं कहीं, अगर आप में से कोई भी जानना चाहता है कि देहरादून का मीटअप का क्या सीन है, इसी महीने हम देहरादून का मीटअप कर रहे हैं. मोस्ट प्रॉब्ली 24 के बाद मीटअप होगा और 28 से पहले, यानी कि इस डेट के बीच में करेंगे. अभी मैं सब चीजें फिक्सअप कर रहा हूँ, गाड़ी जैसे ही रेडी हो जाती है उसी दिन मैं वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा. उसके सिवा सारी अपडेट्स आप लोगों को इंस्टाग्राम में पता चलने वाली है. लिख देना MUSAFIR 7811, यानी कि मुसाफिर 7811, वहां पर आपको सारा का सारा आइडिया मिल जाएगा. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाना. सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना. अगेन डेली पूरे दिन भर क्या करता हूं अगर देखना है तो इंस्टाग्राम में फॉलो करना मुसाफिर 7811 के नाम से. तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को एंड करते हैं. और देहरादून के जितने मेरे भाई है गेट रेडी, बहुत बढ़िया वाला मीटअप होगा, आप लोग इंजॉय करोगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय.